गरीब के लिए ही आता है लेकिन लूट लिया जाता है। गरीब के मिलवे नहीं करता है यहाँ पर। कहाँ से पढ़ा पाएंगे, कहाँ से अच्छा इलाज कर पाएंगे। लेकिन ये सभी गरीब जो व्यक्ति हैं दिन रात मेहनत करते हैं। बैठा रहा कुर्सी पर सगर पैसा पड़ गए और हमारी धुमा से रोता थी समझ के। नमस्कार, मैं अभी इमामगंज में हूँ तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कितने सारे महिलाएं इतना अपनी समस्या कर को लेकर के जूझ रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ तक कि कोई सुनने वाला इन लोगों को नहीं है। और कोई कोई तो ऐसा भी लोग हैं कि जो विधवा हैं और खाना पकाते हैं स्कूल में और उनको भी किसी तरह से अपना काम करते हैं और उनका जो पेमेंट मिलता है पेमेंट भी नहीं टाइम पे मिलता है। क्या नाम हुआ चाची? शोभा देवी। क्या? शोभा देवी। क्या मतलब आप स्कूल में बनाते हैं क्या? हाँ, स्कूल में खाना बनाते हैं। पैसा नहीं आ रहा है हमको तनख्वाह। पैसा नहीं आ रहा? हाँ, नहीं आ रहा। आप हेडमास्टर के बोलते ना कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है? हाँ बोलते हैं तो कहते हैं सर कि आएगा पैसा। आएगा? हाँ। कब आएगा? अब कौन कब आएगा, नहीं आ रहा पैसा। अगर मान लिया जाए कि हेडमास्टर के या कोई और नेता के पेमेंट अगर रोक दिया जाए तो जान सकते हैं कि क्या हो सकता है उन लोग को? मैंने जिस तरह से आप लोग का पेमेंट अगर रुका हुआ है उसी तरह से नेता या और लोग के रुकना चाहे कि नहीं? रुकेगा नहीं, हमको जब रुका है तो आपको रुकेगा तब ना काम चलेगा। तब उन लोगों का समझ में आएगा कि क्या चीज होता है ना, तब ना समझ में आएगा। देखिए 1500 रुपया में काम करने वाले जो ये लोग चाची लोग हैं और उन पे भी टाइम पे पैसा नहीं दिया जाता, आप समझ सकते हैं कि इनका परिवार के प्रति क्या बीतता होगा, क्या गुजरता होगा कि जो कि आप देख रहे हैं कि इतना महंगाई बढ़ा हुआ है, चरम सीमा पे हो गया है और टाइम पे इन लोग का पैसा नहीं मिलेगा तो इन लोग खाने के लिए तरस जाएंगे, खाने के लिए तरसेंगे। अच्छा, ये जो समस्या है सभी के पास में समस्या है? हाँ, समस्या तो सबके है भैया। हाँ। आप लोग जब कब से काम कर रहे हैं? हमें मालूम नहीं है, लाड़ मसाला। क्या चौराना पर मन कर लिए? चौराना पर बड़े दिन से मन कर लिए, शुरू से। तो पैसा भी मिल रहा है? वो 1600 भेटा भाभी। और कब पढ़ रहे? 1600 मिल रहा है। हाँ। और टाइम पे मिल जाता महीना पे? नहीं सर, भेटल तब कहे उतना समय पे भी नहीं मिलता है। नहीं, यानी 1600-1700-1500 भी जो मिलता है महीना में वो भी नहीं मिलता है? नहीं सर। तो घर परिवार के कैसे चलाते हैं? तो कर कहा कैसा तो चलाते ही है, तो कर कैसा करके चलाते नहीं है आदमी। धान गेहूँ काटला बोला ना जी। धान गेहूँ कैसे काटे? एक भीड़ा देखा कुर्सी पर बैठा थी, सघन के पैसा भर पड़ गए बेटा और हमारी धुनुमा से आके फोर ले तभी मन पैसा बढ़ ले। सरकार के दू नजरी कराए नहीं सरकार, का करे था क्या? जब बैठा रहा कुर्सी पर सगर पैसा बढ़ गए और हमारी धुमा से रोता थी समझ के नहीं पैसा बढ़ ले तो कहना मन। क्या दादी? हम अब हमारी कहला में है कि अनकर जमीन में बसा ली, अभी अगर बेटा पुतुआ तैयार हो गया और जो निकाल देता है तो कहाँ जब। अच्छा, उस समस्या का और है क्या? क्या कहना चाहते हैं सरकार से? कहना चाहते हैं कि हमको पेमेंट मिल जाए के चाहिए। पेमेंट मिल जाए? हाँ, चार को बाल बच्चा तो कैसे हम उनको खिलाएंगे, कैसे पोसेंगे, कैसे पलट। अब महंगाई तो इतना काफी बढ़ गया है, चावल दाल गैस ये सारे तमाम बढ़ गया है और परिवार को चलाना तो बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत हो रहा है। नहीं, हम तो स्कूल में है तो कैसे पोसेंगे, कैसे क्या करेंगे, हमको कोई है ये नहीं पैरवा, हम विधवा हैं। देखिए कितना बड़ी समस्या है कि इनका हस्बैंड भी इस धरती पे नहीं है और इनका घर परिवार किस तरह से चलता होगा आप सोच सकते हैं। यानी नेता लोग होते हैं, अधिकारी लोग होते हैं, महीना जैसे पूर्णता 31 तारीख होता है उनको अकाउंट में ट्रांसफ़र पैसा हो जाता है लेकिन ये सभी गरीब जो व्यक्ति हैं दिन रात मेहनत करते हैं, 12 घंटा टाइम देते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी इनको टाइम पर पैसा नहीं दिया जाता है। और नेता विधायक के जिस तरह से इन लोग का अगर पेमेंट रुकता है उसी तरह से नेता और जो उच्च अधिकारी है उन लोगों का पेमेंट क्यों नहीं रुकता है? इन गरीब का आदमी के क्यों इतना सताया जा रहा है मेरा बिहार राज्य में? और सरकार कहती है कि हम गरीब आदमी के इतना भलाई के लिए काम करें, गरीब आदमी को उत्थान के लिए बात करते हैं तो ये देखिए कैमरा में कि कितना गरीब आदमी का उत्थान हो रहा है, कितना गरीब आदमी का भलाई हो रहा है। क्या नेता प्रशासन जो उच्च अधिकारी होता है उसका पेमेंट रुकता है, कभी सुने हैं चाची? नहीं भैया, कभी नहीं। हम लोग भी हम कर्मी हैं, 1500 रुपया मिलता है भैया, बाकी 2 महीना के बाद मिलता है, बाकी उसी में से भी 500 ले लेता है आदमी। अच्छा, नेता लोग के कभी पेमेंट रुका है आज तक? नहीं,
कभी नहीं रुका। जैसे एक 31 से 1 तारीख होता है उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। हाँ भैया हो जाता है, बाकी हम लोग के 2 महीना के बाद मिलता है ना, तो वो भी 3000 से शुरू है, बाकी 1500 मिलता है, 50 रुपया एक दिन के मिलता है भैया, उसी में से भी 500 मांग लेता है। सर माना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों पे कि जो इन गरीब आदमी के हक को मारते हैं, दिन भर में 50 रुपया कमाते हैं उसमें भी महीना में 500 रुपया इन लोगों का कटौती चला जाता है। सर माना चाहिए ऐसा अधिकारी लोग को, ऐसा इंसान को कि जो गरीब के हक मारते हैं, गरीब का अधिकार को इतना हनन करते हैं। चाची जब वहाँ पे जाते हैं तो कुछ और भी बोला भी जाता है क्या? नहीं, जब मीटिंग होता है तो हम लोग बोलते हैं भैया कि मीटिंग हो रहा है तो हम लोग के सूचना दीजिए, बाकी नहीं उन लोग देता है, अपने से मीटिंग में आ जाता है ब्लॉक में, हम लोग के नहीं सूचना देता है। और जो आदमी वहाँ जाके बोलता है कि ब्लॉक में ऐसे ऐसे मांग रहा है, 500 रुपया लग रहा है, ऐसे आप लोग दीजिए, तो उसी में से हम लोग दे देते हैं, हम लोग के क्या पता है, आएंगे तब ना। यानी देखिए इन लोग के इतना भी होता है कि मीटिंग में भी नहीं बुलाया जाता है और अपना मनमाने ढंग से इन लोग पे चार्ज लगा करके बोलते हैं कि इतना वहाँ अधिकारी मांग रहा है, इतना कागज बनाने में लग रहा है, इतना हमको पैसा की जरूरत है, और ये लोग मासूम क्या करे, ये लोग गरज बस में देना पड़ता है कि चूंकि मेरा नौकरी नहीं चल जाए, मेरा घर परिवार सड़कों पे नहीं आ जाए, इन वो लेकर डर के लेकर के उन लोग के पैसा दे देते हैं। तो मैं ऐसा लोगों को कहता हूँ कि इन लोग पे थोड़ा सा रहम करिए, गरीब आदमी पे रहम करिए कि इनको अधिकार नहीं मारा जाए, जो इनका हक है अच्छी तरीके से दिया जाए, पूर्ण रूप से दिया। और क्या क्या समस्या होता है चाची? यही सब समस्या है सर, पैसा नहीं। आप कितना दिन से काम कर रहे हैं? साल भर से। साल भर से काम, कितना महीना का पैसा मिला है? 1500 का तो सुनते हैं, बाकी अभी एक रुपया नहीं मिला। एक रुपया भी नहीं मिला है? नहीं। आपके बच्चे लोग तो होंगे छोटा? चार को बच्चे हैं। चार को बच्चे हैं, दो लड़का दो लड़की। पढ़ाई लिखाई खाना खुराक कैसे जुटता है? वो इसी करते हैं, आपको नहीं नहीं जुट पाता है? नहीं नहीं। ऐसे तो लग रहा है कि आपके जो बच्चे होंगे ऐसे पढ़ाई लिखाई से भी दूरे होंगे। तो मिलते नहीं है तो किसा को क्या करें, पढ़ाई लिखाई से भी दूरे हैं। ये देखिए कहाँ से पढ़ा पाएंगे, कहाँ से अच्छा इलाज कर पाएंगे। आप सोच सकते हैं कि पढ़ाई भी इतना महंगी हो गई है, सामान और राशन भी इतना महंगी हो गए, उन लोग के खाना के बंदोबस्त किया करेंगे या पढ़ाई का बंदोबस्त करेंगे या अच्छा हेल्थ के लिए स्वास्थ्य के लिए बंदोबस्त करेंगे? अगर दवाई के व्यवस्था करें तो एजुकेशन जाएगा, और पढ़ाई के अगर व्यवस्था करें तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। अच्छा मान लीजिए अगर बीमारी उमारी होते हैं तो पैसा के लिए तो तंग आ जाते होंगे ना, तो दूसरा कोई इलाज कराते हैं क्या? जान करके दिखवाते हैं, नहीं डॉक्टर मिलेगा तो बाल बच्चा को छोड़ देगा। तो क्या लगता है कि इस तरह से मेरे गरीबी जो है देश में गरीबी खत्म हो पाएगा? नहीं नहीं हो पाएगा, कहाँ से हो पाएगा, गरीब आदमी का तो और लूटा जा रहा है, लूटा जा रहा है। हाँ भैया, एक रुपया कमाते हैं तो उस पर आसरा करते हैं, तो अभी टाइम पर मिलता है, बाल बच्चा को कुछ दिक्कत हो जाता है तो अगला ही से कर्जा लेते हैं, तो कैसे हटेगा बीमारी हम लोग के, या कैसे बड़का बन जाएंगे हम लोग? हम लोग को तो दूसरा कोई खा जा रहा है। क्या क्या हुआ दीदी? कोई चीज लाभ आता है? सरकारी चीज तो बड़ा घर में जाता है, गरीब को नहीं दिया जाता है। यहाँ पर ही गरीब के लिए ही आता है लेकिन लूट लिया जाता है, गरीब के मिलवे नहीं करता है यहाँ पर ही। कोई अधिकारी नहीं है? अभी टापर आया तो बड़ा बड़ा घर में चला गया, और हम लोग गए से नहीं दिए, असला मुखिया यहाँ पर के हम भी साइन करवाए, हम बोले कि सीएम से बात किए हैं साइन कीजिए, तो साइन किए, वो बहुत गोसा से पटक के साइन किए कागज, कागज ले जाकर धर दिए, पेपर नहीं अच्छी टापर नहीं मिला हम लोग के। इसलिए इन लोगों के शिक्षा से वंचित रखा जाता है कि अगर इन लोग गरीब आदमी अगर पढ़ लिख लेगा तो अपना अधिकार जानेगा, अपना अधिकार जाना जा जाएगा तो हम लोग से लड़ेगा, अधिकार छीनने का प्रयास करेगा। इसलिए गरीब के बच्चे को एजुकेशन अच्छा नहीं दिया जाता, पढ़ाया नहीं दिया जाता, इन लोग के दाब कर रखा जाता है। अगर आपके बच्चे लोग पढ़ जाएंगे तो नेता लोग से लड़ने लगेंगे, अपना अधिकार छीनने लगेंगे। कोई भी अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, जो पढ़ा लिखा रहेगा तू तो लड़बे करेगा, और जो नहीं जानेगा तो कहाँ से लड़ेगा? जो नहीं जानेगा वो तो दबे हुए रहेगा, उसको मालूम ही नहीं तो लड़ेगा कहाँ से, नहीं पाएगा। इसीलिए तो एजुकेशन को इतना लो कर दिया गया है कि गरीब के बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो मेरा अधिकार नहीं छीन जानेगा, और ना अधिकार हमसे मांगेगा कभी। बहुत सा ऐसा बिहार में है कि कितना खटवा के नहीं देता है, 10 बार घुराता है बढ़कर लोग, गरीब लोग रिरिया रहा है, कमा के अपन मेहनत करके भी रिरिया रहा है आदमी, ऐसे लोग है बड़का लोग यहाँ पर ही, लेकिन सब तो बड़का ही के देखता है, छोटका आदमी को देखता कौन है, कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं सुन।
तो देखिए इन लोगों के पास कितना समस्या है, तो समस्या को मैं सरकार से कहना चाहता हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इन जैसे गरीब व्यक्ति के अपना अधिकार के लिए आप लोग भी थोड़ा सा ये आप लोग का बनता है कि वीडियो का शेयर करिए और नेता लोग के पास पहुँचाइए कि इन लोग गरीब के हक अधिकार जल्द से जल्द मिले। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।